पहली जगह चुनी है तीसरे बार आने के बाद, क्योंकि है ना ये हम नेक्स्ट 5 साल तक हम चिल्लाते रहेंगे। और ये जो सच्चाई है कि पीएम हमारे पास आए थे, रशिया के लिए इंडियन से ज्यादा कोई कोई भागीदारी में नहीं है। हमारे यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि पुतिन और मोदी जी है ना वो कुंभ के मेले में बिछड़े दो भाई है। 84 साल पहले कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए, उसमें से एक रशिया में पैदा हो गया जो व्लादिमीर पुतिन बन गए, और जो इंडिया में पैदा हो गए वो नरेंद्र भाई मोदी बन गए। हमारे साथ इस वक्त इंडिया ओवरसीज रशिया में बीजेपी के अध्यक्ष सैमी कोटवानी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए कोटवानी जी। और मुझे बताइए कि आज प्रधानमंत्री भारत के रूस पहुंच रहे हैं, मॉस्को पहुंच रहे हैं, इस दौरे का महत्व क्या है आप लोगों के लिए, खासकर जो यहां भारतीय रूस के हैं? देखिए हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है कि प्रधानमंत्री ने इसे पहली जगह चुनी है तीसरे बार आने के बाद, क्योंकि है ना ये हम नेक्स्ट 5 साल तक हम चिल्लाते रहेंगे। और ये जो सच्चाई है कि पीएम हमारे पास आए थे, रशियंस के लिए तो और बड़ी बात है, क्योंकि वो हमेशा सोच रहे थे कि सबसे जिम्मेदार भागीदार हमारा हिस्सेदार कौन हो सकता है, वो है रशिया। रशिया के लिए इंडियन से ज़्यादा कोई कोई भागीदारी में नहीं है, और वो एक एक बहुत अच्छा दोस्त उन्होंने थे, और ये तो प्रूफ हो गया कि इनसे अच्छा तो दोस्त कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि पुतिन और मोदी जी है ना वो कुंभ के मेले में बिछड़े दो भाई है। अच्छा, ये आप लोग कहते हैं? यस, रूस में सब जानते हैं कि मोदी और पुतिन 84 साल पहले कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए, उसमें से एक रशिया में पैदा हो गया जो व्लादिमीर पुतिन बन गए, और जो इंडिया में पैदा हो गए वो नरेंद्र भाई मोदी बन गए। अब उनकी खासियत क्या है, दोनों पॉलिटिक्स 2000 में आते हैं, दोनों अब तक पॉलिटिक्स में हैं, 3 महीने के फर्के में दोनों पॉलिटिक्स में आए थे, 2024 में दोनों ने इलेक्शन जीता है, राइट। और दोनों एक ही बात करते हैं, पुतिन जी कहते हैं मेड इन रशिया और मोदी जी कहते हैं मेड इन इंडिया। ये दोनों सगे भाइयों की कहानी है। आपको लगता है कि ये जो एक भावना है दोनों की ही अपने देशों के प्रति, ये उनको बॉन्ड करती है? क्योंकि हम बहुत बार उनकी पर्सनल केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपने तो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों को बहुत करीब से देखा। यस, ये इसमें कोई शक की बात नहीं, दोनों लोग की सोच एक ही है, वो अपने देश के लिए पहले काम करते हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। अगर आप वॉर जोन में आइए, अगर आपको पता हो रशिया और यूक्रेन का अब जो चल रहा है उसके बीच में आप मॉस्को में आए, आपको ऐसा एक पल के भी ऐसा कुछ लगा कि कुछ हो रहा है? नहीं, वो तो बॉर्डर पे जो हो रहा है वो बहुत ही हम क्या पूरी दुनिया दो भाइयों को लड़ते हुए नहीं समझ सकती है, इसके लिए हम अमेरिका को दाद देंगे कैसे 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 दो भाइयों को लड़ा सकते हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा है अमेरिका दोनों भाइयों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है? देखिए इस वक्त नजरें अमेरिका की भी होंगी, चीन की भी होंगी। नरेंद्र मोदी रूस आ रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि चीन और रूस की दोस्ती भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ कर। नहीं, रूस और चीन की कोई दोस्ती नहीं है, उनमें बिजनेस के संबंध बहुत ज्यादा है, उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन रशियन ने कहा, रशियन से अगर पूछोगे ना, अगर व्यापार करने के लिए उनको चीन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो लोग विश्वास नहीं करते। आज भी वो हमें हिंदुस्तानियों में विश्वास ढूंढ रहे हैं, और उनको पता है कि अगर उनको व्यापार करना है तो उनको सिर्फ हिंदुस्तानियों से ही करना है। और आपको लगता है वहाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट है और यहाँ पर एक ट्रस्ट सरप्लस? यस, हमारे बीच में ट्रस्ट की तो कोई बात ही नहीं है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे नहीं लगता जितना रशियंस हमें प्यार करते शायद कोई किसी को करता होगा। और आप एक झंडा भी अभी बात कर रहे थे किसी से फोन पर, तो एक लंबा झंडा जिसमें रूस भी होगा और भारत भी होगा, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए ये साल 77 साल है हमारे दोस्ती के और डिप्लोमेटिक टाइज के, तो हम चाहते कि 77 साल लंबा वाला हम झंडा बनाया जाए, उतने लंबा मीटर वाला एक झंडा बनाया जाएगा। कहाँ लहराएगा? एग्जैक्टली प्रधानमंत्री में आएंगे, जहाँ पे आ रहे हैं सैमी कोटवानी जी उस वेलकमिंग पार्टी में भी होंगे जब वो कार्लटन पहुंचेंगे, तो जरा उसके बारे में बताइए। यस, हम एम्बेसी की बहुत सारा शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया है, और हम लोग 350 लोग के साथ उधर पहुंच रहे हैं, बहुत सारे प्ले कार्ड बनाए गए हैं, और इंडियन रशियन डांसर आ रहे हैं वहाँ पे, कला वो लोग अपना कला भी दिखाएंगे, सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बॉलीवुड भरतनाट्यम सब होगा। अच्छा, आपने एक चिट्ठी भी लिखी है व्लादिमीर पुतिन को, रूसी राष्ट्रपति को, रशिया में एक मंदिर की मांग करते हैं। देखिए मैं पहला हिंदुस्तानी हूँ जिसको रशियन पासपोर्ट मिला है, बिगर रशियन बीबी के। अच्छा। मुझसे पहले जितनों को भी पासपोर्ट मिला था उनके पास रशियन बीबी थी। मैं पहला हिंदुस्तानी हूँ जिसको रशियन पासपोर्ट मिला था, बिगर रशियन बीबी के।
तो मेरा हक बनता है कि मुझे अपनी जगह होनी चाहिए जहाँ पे मैं जाके प्रार्थना कर सकूँ। तो उसी रिक्वेस्ट में मैंने उन्हें कहा था, और कोविड के समय में हमने 25 लोगों को यहाँ पे, हमारे मित्र लोग गुजर गए थे तो उसमें हमने उन सबको लूज किया था। तो यू नो हमारे मंदिर नहीं था, बहुत दुख भरी बात थी। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मरने पे कोई तो जगह हो जहाँ पे अपना सर टेका जाए, यू नो अच्छे टाइमों में तो सब हो। कही है ये, क्योंकि अयोध्या में एक मंदिर बना, उसके बाद अबू धाबी का जो मंदिर, जहाँ पर वहाँ पर भी मैं गई थी कोटवानी जी, और वो अबू धाबी का जो मंदिर है, जब आप उसे देखते हैं तब शायद पूरे दुनिया भर में जहाँ भारतीय बसते हैं उनमें एक आस जगी है कि उनका भी प्रार्थना स्थल जिन जगहों पर नहीं है वहाँ। और हमने हिंदू मंदिर की बात की है, हमने ना कोई कृष्णा ना कोई शिवा ना कोई रामा की बात की है, वी हैव टॉक्ड इंडियन हिंदू मंदिर। रशियंस को मैंने समझाया, देखिए हमारी संस्कृति पहले आई है, क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और सब बाद में आए, जो आपसे पहले आए उसके ऊपर तो आपके ऊपर कोई एतराज ही नहीं होना चाहिए। यू नो अगर कोई बाद में आए आप उसके बारे में सोचो वो सही है कि गलत है, लेकिन हम तो पहले से हैं तो वो मानते हैं कि हमारा ये होना चाहिए। बहुत सुंदर बात सामी कोटवानी कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद हम उनसे फिर मिलेंगे जब प्रधानमंत्री कार्लटन पे पहुंचेंगे और वहाँ उनका स्वागत होगा, भारतीय समुदाय पूरा वहाँ होगा, एक बार फिर मुलाकात होगी। कोटवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए।